हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम सिंह पे आप सभी का स्वागत है। तो आज एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ मैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यामा की MT-15 है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यामा की MT-15 2023 लॉन्च हुई है, हम उसका इसका कंपैरिजन करते हैं और इसमें मैंने क्या मॉडिफिकेशंस करवाई। इस पर जब मैंने डिलीवरी ली थी उसकी वीडियो मैंने बेगर ब्लॉग्स वाले चैनल पर डाली थी, तो अभी इसकी बात करते हैं इसमें। और नई जो MT-15 वो भी वर्जन 2 है, ये भी वर्जन 2 है, बस फर्क इतना है वो 2023 मॉडल है, ये 2022 वाला मॉडल आ जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं ये आ जाती है MT-15 वर्जन 2, ये 2022 वाला मॉडल है। तो जो अभी आया 2023 में, आपको बता दूं इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, जो उससे पहले वाला था उसमें इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं USD फॉक्स, जो इसके पुराना वाला वेरिएंट आता था उसमें देखने को नहीं मिलते थे। हाँ, जो नया वाला आ रहा है 2023 उसमें देखने को मिल जाएंगे और इसमें भी देखने को आपको मिल जाते हैं। साथ ही में बात करें वहीं पर, आप बात करते हैं जो नई वाली MT-15 है उसमें एक तो न्यू चीज़ देखने को मिलेगी आपको, इसका कलर देखने को मिलेगा, वो कि अब जो इसमें आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है। ब्लैक आपको पहले भी देखने को मिलता था, बट और जो पहले था ना जो ब्लैक, वो ब्लैक अलॉय के साथ था, बट जो अब जो ब्लैक है उसमें रेड अलॉय अलॉय ये वाले मिलेंगे और कलर आपको ब्लैक। आप चाहें तो इसको भी ब्लैक कर सकते हैं रैप वगैरह करवा के। बाकी कुछ जो अच्छी अपडेट्स की बात कर लें जिसका काफ़ी ज़्यादा MT-15 के फैंस को वेट था, वो है ड्यूल चैनल ABS। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि ड्यूल चैनल ABS दे दिया जाए, ड्यूल चैनल ABS दिया जाए। इसमें आपको भी सिंगल चैनल मिलता है, जो नई वाली 2023 वाला जो मॉडल आया है उसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। साथ ही में जो इंडिकेटर है, जो अब नई वाली MT आई है 2023 जो कि अभी 3 दिन पहले लॉन्च हुई है, उसमें आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि आफ्टर मार्केट आप इसमें भी LED इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, बट उसमें पहले से आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में एक और जो मेन फीचर की बात कर लूँ, उसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रैक्शन कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा फीचर है सेफ्टी को लेके, क्योंकि जब कभी भी बाइक स्किड वगैरह कर सकती है तो एक ही स्पीड में आपको चलना होगा। कभी रोड, हमको पता है हमारे हाईवेज कितने ज़्यादा ख़राब रहते हैं, तो ट्रैक्शन कंट्रोल इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बाइक देख सकते हैं, बाइक काफ़ी प्यारी लग रही है। तो अगर आप MT-15 लेने की सोच रहे हैं, MT वाले यामा वाले यही करते हैं, कुछ टाइम पहले MT-15 बंद कर दी थी, फिर काफ़ी टाइम बाद इनने वर्जन 2 बेचना शुरू करा, अभी भी वर्जन 2 आ रहा है। अब इनने क्या किया, जब थोड़ी सी इनकी सेल्स कम हो जाती है तो इसमें नई स्कीम ले आते हैं। अब इसमें जैसे नया कलर लाया ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन के साथ, और जो मेजर अपडेट्स दे दिए इसमें, जो ड्यूल चैनल ABS जिसकी पहले से नीड थी। बाकी हम बाइक सीखते हैं बजाज वगैरह, वो अपने सस्ते वाले वेरियंट में ये ड्यूल चैनल ABS वगैरह पहले से प्रोवाइड करते थे, बट इसमें अब आया, काफ़ी लेट जाके आया, बट कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना, लाइक करना, और क्या करना है, और सरप्राइज और लाइक कर देना और सब्सक्राइब करवाना। ये बहुत बड़ा गुंडा है फैन, ये बहुत बड़ा गुंडा है हमारा, इसका भैया शादी नहीं होता है, आज इसका शादी करना है, ये सब चूतिया है, ये लड़की बना पड़ा है, इसके घर में डंडा मार, इसका भैया लड़की नहीं मिल रही, इसको शादी कराना है, हम पूरे पब्लिक को बता देगा ये लता है। तो भी बोल इसके लता क्या, ये क्या तू बता एक बार से भाई, अब ये दिखा कैसा वीडियो करा। तो गाइस, बाकी बाइक की बात करें, बाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब आप अगर लेने की सोच रहे हैं डेफिनेटली लें। जो चीज़ें इसमें कमी थी वो अब जो नई वाली MT-15 है उसमें पूरी हो चुकी हैं। बाकी बाइक की लाइट वगैरह आपको पता है कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है गाइस। तो ये थी छोटी सी रिव्यू वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब।